क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या क्या रहा है 2019 में 5 मार्क्स आया हुआ है. व्हिच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी है, विल बी -82. मतलब इस एपी का कौन सा टर्म -82 होगा. मतलब हमसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म. ठीक है, अब हमें पता है एपी क्या क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं -7, -12, -17 और -22. ठीक है, और यहां पे कितना दिया हुआ है -82 लास्ट टर्म है क्योंकि. ठीक है, तो हमें पता है क्या क्या पता है यहां पे, एन पता है, एन लिख लो या एन लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, -82. और क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -7. अब देखना इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इसका मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो तरीके से जैसे बता रहा हूं वैसे ही लिखना, पढ़ना एग्जाम में आपको मौका ही नहीं मिलेगा दोबारा चेक करने का. तो ऐसे लिखो और यहां पे वैल्यू पुट करो, ए टू कितना है -12, फिर यहां पे माइनस ब्रैकेट लगाना, ए वन कितना है -7, और इधर से देखो कितना है, ए थ्री कितना है -17, और फिर माइनस ए टू कितना है -12. तो देखो यहां से कितना आएगा, तो -12 और माइनस माइनस प्लस का 7 इक्वल टू, यहां से देखो -17 और माइनस माइनस प्लस का 12, तो यहां से कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू माइनस के 12 में से प्लस के 7 गए तो माइनस का 5, और माइनस के 17 में से प्लस के 12 गए तो ये भी माइनस का 5. मतलब ये हमारा कॉमन डिफरेंस इसका निकल गया d. आई बात समझ में, अब देखो ध्यान से देखना, अब हमें a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया, फार्मूले में पुट कर दो, फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. an कितना है, ये -82 इक्वल टू a कितना है, a है हमारे पास -7 प्लस n माइनस 1 ऐसे रहा, और d कितना आया हमारा -5. तो देखो ध्यान से, तो माइनस का 82 और ये माइनस इधर है कि प्लस का 7 इक्वल टू एन माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर माइनस 1, तो यहां से कितना बचेगा माइनस का 75 इक्वल टू माइनस का 5 आगे ले आया और एन माइनस 1, तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा 75 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये पूरा पूरा कितना कितने से कट जाएगा, ये 15 से, तो ये कितना आ गया 15 इक्वल टू एन माइनस 1, और 1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू n, तो मतलब n इक्वल टू 16 आ गया. मतलब 82 इस एपी में, इस वाली सीरीज में 16वें नंबर पे आएगा, ये हमसे पूछ रहा है. अब अगला क्या पूछ रहा है, इज 100 एनी टर्म ऑफ द एपी. अब देखो इसको ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, सेम यही चीज है, कुछ अलग से चीज नहीं है, देखना ध्यान से. अब यहां पे 82 की जगह कितना कर देंगे -100, कितना कर देंगे -100, सेम वही सारी चीजें है, सेम वही चीज है. तो an कितना था हमारा, वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, तो an की जगह -82 की जगह कितना निकला -100 इक्वल टू a कितना था -7 प्लस n -1 और d कितना था hd माइनस का 5. अब देखो तो -100 और ये 7 इधर आके प्लस का 7 इक्वल टू n -1 और ब्रैकेट के अंदर -5, तो यहां से कितना आएगा माइनस का 93 इक्वल टू माइनस का 5 और n -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n 93 अपॉन 5 इक्वल टू n -1, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 590, तो 5 बन गया 5, फिर कितना बचेगा यहां से 4 और 3 8 और फिर 30.6, मतलब 18.6 ये हमारा n आ गया. तो n कितना आ गया ध्यान से देखो, इसको 18 ये आया ना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, तो n हमारा कितना है 18.6 इक्वल टू n माइनस 1, तो 1 इधर आएगा तो क्या आएगा 18.6 प्लस 1 इक्वल टू n, तो यहां से कितना आ रहा है 19.6 इक्वल टू n. और हमें पता है कि n हमारा कभी भी AP में कॉमन डिफरेंस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता. तो यहां पे हम बोलेंगे हियर बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स इज इन डेसिमल, सो -100 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी. आई बात समझ में, ये लिखना था
तो 2019 में 5 नंबर का रखा है। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है आपको। फालतू में डरते हो कि बहुत टफ है मुश्किल है, नहीं भाई, आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक करता है आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आए तो, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। इससे पहले मैंने अब तक एपी के 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 20 ईयर्स के बेस्ट है। चैनल पे जाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2020 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसको ध्यान से देखना, उसमें सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए, उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में 3 नंबर में और 5 नंबर में और 1-2 नंबर में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल के पूछता है। आप ही के लिए बनाए हैं, जाके एक बार देखना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।